सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका मंजी वर्मा। आज शनिवार का दिन है, मैं आज आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी, तरंग पुस्तिका। आज आप लोगों को पाठ पांच पढ़ाऊंगी, संज्ञा। सभी अपनी अपनी तरंग की पुस्तिका साथ में रख लें और वीडियो को भी ध्यान से देखें। पृष्ठ संख्या 21, पाठ पांच, संज्ञा। सबसे पहले संज्ञा क्या है इसको हम देखेंगे, संज्ञा की परिभाषा देखेंगे। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। स्पष्ट हुआ, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। सभी अपनी पुस्तिका साथ में रखें। मिर्जा के घर में चिड़िया ने घोंसला बनाया। यहाँ कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, उनके द्वारा संज्ञा को और अधिक स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। मिर्जा के घर में चिड़िया ने घोंसला बनाया है, तीन अंडे दिए हैं, अंडों से बच्चे बाहर निकल आए हैं। मिर्जा ने रवि, मीना और टीना को भी बुलाया है। उन्होंने मेज पर चढ़कर चिड़िया के बच्चों को देखा, उन्हें बहुत खुशी मिली। ऊपर से ये तीन से चार वाक्य दिए गए हैं, उनमें आप ध्यान से देखिए, कुछ रंगीन शब्द हैं। ये रंगीन शब्द क्या है, नाम है। मिर्जा, रीना, मीना और टीना लड़कियों के नाम है। घर स्थान का नाम है। घोंसला, मेज और अंडे वस्तुओं के नाम है। और बच्चे जाति का नाम है। तथा खुशी क्या है, भाव के नाम है। तो ये तीन चार वाक्यों में हमने कितनी चीज देख ली है, कुछ व्यक्तियों के नाम है, कुछ जाति के नाम है, कुछ भाव के नाम है। तो ये सभी संज्ञा के भेद है। संज्ञा की परिभाषा स्पष्ट है, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। स्पष्ट है बच्चों? अब आइए हम देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। आगे की कक्षाओं में जब हम जाएंगे तो संज्ञा के पांच भेद पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप लोगों को पुस्तक में तीन भेद दिया हुआ है और यही तीनों भेद आप लोगों को अभी पढ़ना है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तीन भेद। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये पहला हुआ। दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। अभी हम तीनों को अलग अलग प्रकार से समझेंगे। संज्ञा के कितने भेद हुए, तीन भेद हुए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को स्पष्ट कर लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, स्पष्ट हुआ, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसमें सभी चीज शामिल है, व्यक्ति भी, वस्तु भी, स्थान, भाव सभी शामिल है। लेकिन जब हम इनके भेद पर आते हैं तो तीन प्रकार के संज्ञा है, व्यक्ति, जाति और भाव। पहला स्पष्ट करते हुए मैं बताना चाहूंगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, किसी विशेष व्यक्ति, कोई भी विशेष व्यक्ति हो, कोई विशेष प्राणी हो, कोई विशेष वस्तु हो, कोई विशेष स्थान हो, तो उनके नाम को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का ज्ञान कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें कोई भी विशेष व्यक्ति होगा, जैसे कि अमिताभ बच्चन हो गए, विराट कोहली, या फिर कोई विशेष स्थान हम ले लेते हैं, जयपुर, जोधपुर। जब हम नाम से किसी शहर, सीधे शहर बोलने पे तो सीधे शहर, लेकिन जब हम नाम बता दिए तो कोई विशेष शहर के बारे में बताएंगे, जोधपुर, जयपुर। कोई महीना का नाम हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च। अगर सीधे हम महीना कहते हैं तो सभी महीना उसमें आ गया, लेकिन जब हम कहेंगे जनवरी माह में, फरवरी माह में, तो ये कोई विशेष महीने के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इस तरह जो कोई भी विशेष, अगर वस्तु हो गया, प्राणी हो गया, वस्तु, स्थान, ये सभी का ज्ञान कराने वाले शब्द को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं।
उदाहरण के रूप में देखिए, जयपुर, इंडिया गेट, विराट कोहली, कोई भी विशेष व्यक्ति का नाम हम लेते हैं, तो इन सभी का ज्ञान कराने वाले शब्द को क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। स्पष्ट है? अब दूसरा हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। इसमें किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान, इन वस्तु, इनके बारे में ज्ञान नहीं होगा, बल्कि पूरी जाति का ज्ञान होगा, जिससे किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में तो कोई विशेष व्यक्ति था, कोई विशेष प्राणी या वस्तु या स्थान था, लेकिन जातिवाचक संज्ञा में हम देखेंगे कि पूरी जाति का बोध होगा। जैसे किसी खास लड़के का नाम मोहन, रोहन नहीं, हम सीधे कहेंगे बच्चा, तो ये बच्चा जो है पूरे बच्चे जाति का बोध होगा। पर्वत, कोई खास पर्वत के बारे में मैं नहीं बोली हूँ, हिमालय पर्वत या फिर कोई और भी पर्वत नहीं, सीधे पर्वत, इसमें पूरे पर्वत आ गए। बच्चा, पूरे सभी बच्चे इसमें आ गए। किसान, सभी तरह के किसान इसमें आ गए। फल, किसी भी खास फल का मैंने यहाँ नाम नहीं लिया है, आम हुआ, पपीता हुआ, केला हुआ, ये तो नहीं, फल में सारे फल शामिल हो गए। तो इस तरह से जिन शब्दों से पूरी जाति का, समूह का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। ये दूसरा स्पष्ट हो गया। व्यक्तिवाचक, किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान। जातिवाचक संज्ञा, पूरे जाति का या फिर सभी वस्तुओं का, सभी प्राणी का जिनसे बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु के गुण और दोष, या तो उनके किसी गुण के बारे में चर्चा की जाएगी, या उनके दोष के बारे में, या उसकी अवस्था, जैसे कि बुढ़ापा है, बचपन है, इस तरह के शब्दों का जिनसे ज्ञान हो, उससे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। किसी विशेष, किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु के गुण एवं दोष तथा उनकी अवस्था का ज्ञान जिन शब्द से हो, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। यहाँ परिभाषा देख लीजिए, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु के गुण, दोष या अवस्था आदि का ज्ञान कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इनके उदाहरण के रूप में आप अपने अपने पुस्तक में भी देखिए, भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, सजावट, सच्चाई, खटास, वीरता, मधुरता, अहंकार, या तो ये गुण है या फिर ये दोष है, सफलता, बुढ़ापा, बुढ़ापा अवस्था हो गया, पशुता, ईमानदारी, चोरी, बचपन, ममता, तो ये सभी भाव हैं, अवस्था हैं, तो इनका ज्ञान कराने वाले शब्दों को हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा। स्पष्ट है बच्चों, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक में किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु के बारे में ज्ञान होता है। और दूसरा है जातिवाचक। जातिवाचक में प्राणी, वस्तु, व्यक्ति के पूरी जाति का बोध होता है। और भाववाचक में किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु के गुण, दोष और उनकी अवस्था का ज्ञान होता है। तो इस पाठ में हमें यही बताया गया बच्चों, ये परिभाषा और उनके भेद, ये सभी आप लोग हिंदी की व्याकरण की, हिंदी व्याकरण की फेयर कॉपी में आप लोग सभी इसको जरूर से लिखेंगे और इनके अभ्यास को बनाने का प्रयास करेंगे। पहला है, सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। भगत सिंह जातिवाचक संज्ञा है। भगत सिंह यहाँ किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, इसीलिए जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। हिमालय, गंगा, गुलाब व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल सही। यहाँ किसी विशेष पर्वत, किसी विशेष नदी, किसी विशेष फूल के बारे में बताया जा रहा है, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बचपन, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है, बिल्कुल सही।
पशु पक्षी जातिवाचक संज्ञा है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इन सभी परिभाषाओं को कॉपी में शेयर कीजिएगा और आगे के अभ्यास तो मैं गृह कार्य के रूप में आप लोगों को दूंगी, जिससे आप लोग सभी बच्चों को लिखकर ग्रुप में सेंड करना है। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।